आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ओंकारेश्वर सीसीटीवी कैमरे से आने वाले श्रद्धालुओं पर रखी जा रही निगरानी। कंट्रोल रूम से कैमरे की मदद से अपराधों को रोकने और अपराधियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मानधाता थाने में पदस्थ कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे में संपूर्ण क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। इसी प्रकार ज्योतिर्लिंग श्रीजी मंदिर से भी प्रत्येक आने जाने वालों पर निगाह बनाए हुए। खंडवा कंट्रोल रूम प्रभारी नारायण राजपूत ने बताया कि ओंकारेश्वर क्षेत्र में लगभग 50 कैमरे स्थापित हैं। थाना क्षेत्र के खेड़ी घाट, मानधाता संगम घाट, परिक्रमा मार्ग सभी सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है। भीड़ भाड़ और साधारण दिवसों में भी निरंतर लाइन ऑर्डर की स्थिति रहती है। हमारी टीम इस पर काम करती है। सभी लोकेशन, सभी केंद्र कैमरे चालू है, सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा 20 कैमरे लगाए गए। वही सिस्टम हमारा टोटल पूरी तरह कार्य कर रहा है। बड़े बड़े प्रकरण कैमरों की मदद से हल हुए हैं। चोरी 302 के भी कई प्रकरण इसकी सहायता से सुलझाए गए। स्थानीय टीम अच्छा काम कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिल रहा है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर क्षेत्र में अपने 51 कैमरे यहाँ पर स्थापित है। वो इसमें इस क्षेत्र की एंट्री से लगाकर एग्जिट पॉइंट, जैसे कि खेड़ी घाट से लगाकर पूरा मानधाता संगम घाट परिक्रमा मार्ग सभी सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड है। वो इसके लिए आज तो श्रावण का तीसरा सोमवार है, अन्य दिवसों में भी निरंतर लाइन ऑर्डर की लगभग स्थिति यहाँ पर रहती है और तीन टीम जो है निरंतर इस पे वर्क करती है। प्राय सभी कैमरे किसी टेक्निकल कारण से कोई कैमरा खराब रहता है तो उसको हम तुरंत उसका रेजोल्यूशन कर लेते हैं और बाकी जो मुख्य लोकेशन अपने सभी कैमरे चालू हैं और इस पे सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यहाँ 20 कैमरे लगाए गए हैं, तो वो भी सिस्टम हमारा टोटली पूरी तरह से कार्यरत है। सर आपका परिचय? और मैं इंस्पेक्टर नारायण सिंह राजपूत, टेक्निकल ब्रांच से हूँ। इसमें सीसीटीवी कंट्रोल और संचार को डायल हंड्रेड देखता हूँ और इसमें बहुत बड़े बड़े प्रकरण का भी रिजोल्यूशन हुआ है। अभी तुरंत ही, मतलब कहे पिछले सोमवार की शायद बात है, उसमें एक जेब कतरे को अपन ने ऑन द स्पॉट सीसीटीवी टीम ने जाकर उसको ट्रैप किया है। चोरी के भी कई 302 के प्रकरण भी है जिनमें जिनकी सहायता से हमने सीसीटीवी की सहायता से उन मामलों को सुलझाया है और टीम यहाँ की बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ की इसके अलावा भी जो